सब्सक्राइब करें हमारा चैनल विक्रम आर्ट क्रिएशन क्लासेस और साथ में बेल आइकन पर जो क्लिक करिए ताकि आपको हमारे सब वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं डबल फ्रूट बास्केट विथ झूमर। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए हमको चाहिए रेड कलर की कोड, वाइट कलर की कोड, बीट्स, बेल्स, लाइटर, सीजर, टू राउंड शेप की रिंग 7 इंच की, टू राउंड शेप की रिंग 5 इंच की। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इसे किस तरीके से बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्टिंग में कोड्स को लेंगे, जिसमें हम 4 रेड कलर की कोड और 4 वाइट कलर की कोड को यूज़ करेंगे और इन सभी कोड की साइज़ है 4 मीटर। देखिए सभी कोड को इस तरीके से एक साथ रख कर फिर एक्स्ट्रा की कोड हम लेंगे जिसकी साइज़ है 1.5 मीटर। ये एक्स्ट्रा की एक रेड कलर की कोड जिसकी साइज़ 1.5 मीटर है, उसको हम ये सभी कोड के नीचे रखेंगे। फिर नीचे रखने के बाद हम यहाँ पर सिंपल बेसिक नोट को बनाना स्टार्ट करेंगे। और ये सिंपल बेसिक नोट बनाने का तरीका इस तरीके से है कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाली कोड रहेंगे उसे हम राइट हैंड साइड की ओर से निकालेंगे और राइट हैंड साइड वाली कोड को लेफ्ट हैंड साइड की ओर से निकालेंगे। तो ऐसा हमको कंटिन्यू करते जाना है और तब जाकर ये नोट इसमें बन पाएंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको तरीका बताया कि किस तरीके से सिंपल बेसिक नोट बनाई जाती है। और जिस तरीके से अभी हम ये सिंपल बेसिक नोट बना रहे हैं तो वैसे ही हमको कम से कम ऐसा 10 to 11 टाइम्स इसी तरीके से कंटिन्यूस ये नोट को बनाना है। तो तब जाकर देखिए जो जितनी भी अंदर की कोड्स है वो आपस में जॉइन हो पाएंगी। और ये नोट्स बन जाने के बाद अब हम इसे फोल्ड कर देंगे और इस तरीके से फोल्ड करने के बाद जो बची हुई कोड थी लास्ट एंड वाली कोड, उसे हम सीजर की हेल्प से कट करके लाइटर की हेल्प से स्टिक कर देंगे। तो इससे हमारी सभी कोड आपस में जॉइन भी हो जाएंगी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक ही साइड की कोड को कट करके स्टिक करा है, दूसरी साइड की कोड अभी बाकी है। तो देखिए जो दूसरी साइड की कोड बाकी थी उसे अब हम यूज़ करेंगे इसे इस तरीके से गोल गोल राउंड बाय राउंड घुमाने में, ताकि अच्छे तरीके से सभी कोड आपस में जॉइन हो जाए। इसीलिए यहाँ पर हम राउंड बाय राउंड करके ये कोड को घुमाते जाएंगे और ऐसा हम कम से कम 8 to 9 टाइम्स करेंगे। आप चाहे तो इसे और भी बढ़ा सकते हैं, जितनी भी कोड आपकी साइज़ जितनी बच चुकी है उस हिसाब से भी आप इसे राउंड बाय राउंड घुमा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से घुमाने के बाद जो इसकी कोड बची थी उसे हमने कट करके लाइट के हेल्प से स्टिक कर दिया है और अब हम हमारे डिज़ाइन को बनाएंगे। और ये डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले 4 कोड लेंगे और ये 4 कोड लेकर हमको सिंपल बेसिक नोट को बनाना है। तो देखिए यहाँ पर हमने 4 कोड ली है, जिसमें 2 कोड वाइट कलर की कोड है और 2 कोड रेड कलर की कोड है। अब ये 4 कोड टोटल हो जाने के बाद हम सिंपल बेसिक नोट को बना रहे हैं, लेकिन हमको इस बात का ध्यान देना है कि यहाँ पर जो हम ये नोट्स को बना रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ रेड कलर की नोट्स में ही बन पाए। और ये रेड कलर के नोट्स में बन पाने के लिए हमको सेंटर में 2 वाइट कलर की कोड को एज इट इज़ रखना पड़ेगा, उसे हम घुमाएंगे नहीं। लेकिन जो साइड की एक एक रेड कलर की कोड है, जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की एक एक रेड कलर की कोड है, उसे हम घुमाएंगे, उसे यूज़ करेंगे और फिर रेड कलर की कोड में ही ये नोट्स को बनाएंगे। तो देखिए कभी आपके ये जो वाइट कलर की कोड साइड में हो जाए तो इससे ये जो रेड कलर की नोड है वो नहीं बन पाएंगी। इसलिए इस बात का आपको ध्यान देना है कि सिर्फ और सिर्फ रेड कलर की कोड की हेल्प से हमको ये नोट को बनाना है। और जैसा मैंने आपको पहले तरीका बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड वाली कोड को राइट हैंड साइड की ओर से निकालेंगे और राइट हैंड साइड वाली कोड को लेफ्ट हैंड साइड की ओर से निकालेंगे, तो वही तरीका यूज़ करके हमने सिंपल बेसिक नोट को बनाया है।
देखिए यहाँ पर हमने 15 टू 16 टाइम्स से सिंपल पेस्क नोट को बना लिया है, और अब हमने इसके बाद जो रेड कलर की कोड थी वो दोनों को जॉइन करने के लिए हमने यहाँ पर एक काटा बीट्स को यूज़ करा है, और हमने ये ब्लू कलर की काटा बीट्स को यूज़ करा है, और इसे हमने सेंटर में अटैच किया है, और साथ में हमने इस बात का ध्यान रखा है कि सिर्फ और सिर्फ दो रेड कलर के कोड को ही लेकर हमने ये काटा बीट्स को उसमें रखा है, और जो साइड की एक एक वाइट कलर की कोड है उसकी हेल्प से यहाँ पर हम नोट्स को बनाएंगे। तो देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि रेड कलर के नोट्स बनाने के लिए साइड में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एक एक रेड कलर की कोड होनी चाहिए, तो उसकी हेल्प से ये रेड कलर के नोट बनेंगे। लेकिन बीट्स को अटैच कर देने के बाद अब हमको वाइट कलर के नोट्स चाहिए, और ये वाइट कलर के नोट्स बनाने के लिए हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एक एक वाइट कलर के कोड को रखा है, और सेंटर में रेड कलर के कोड को रख दिया है। तो इस तरीके से ये वाइट कलर के नोट्स हमने बनाए हैं, और साथ में देखिए फ्रेंड्स, ये वाइट कलर के नोट्स को बनाने का तरीका इस तरीके से है कि हमने जैसे पहले सिंपल पेस्क नोट को बनाने के लिए दोनों ही साइड से निकालते थे, लेकिन ये नोट्स को बनाने के लिए हम सिर्फ उसे एक ही साइड से ही ये कोड को निकालते जाएंगे। तो देखिए जैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करा, तो हम कंटिन्यूसली लेफ्ट हैंड साइड से ही कोड को निकालेंगे, तो एक ही साइड से यूज़ करेंगे, तो तब जाकर ये स्पायरल शेप में ये वाइट कलर के नोट्स बन पाएंगी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ये नोट्स बना लिए, और ये नोट्स हमने कम से कम 4 टाइम्स बनाई है, तो आप इस तरीके से अंदाज़ा इसका यूज़ कर सकते हैं कि हमने इतनी साइज़ ये नोट्स की बनाई है। अब ये नोट्स बन जाने के बाद हम 7 इंच के राउंड शेप की रिंग लेंगे, और उसे हम इन सभी कोड में अटैच करेंगे, और उसे अटैच करने का तरीका इस तरीके से है कि 7 इंच की राउंड शेप की रिंग को हम सभी कोड के ऊपर रखेंगे, फिर नीचे से एक कोड को लेंगे और ये रिंग के ऊपर से 2 टाइम्स निकालेंगे, और ऐसा हमको 1 by 1 करके करना है। नीचे से एक कोड को लेते जाना है और ये रिंग के ऊपर से 2 टाइम्स निकालते जाना है, तो तब जाकर ये रिंग इन सभी कोड में अटैच हो पाएंगी। देखिए हमने ये सभी कोड को इस रिंग में अटैच कर दिया है। अब हम इसके बाद टोटल 48 वाइट कलर की कोड लेंगे, और ये सभी टोटल 48 वाइट कलर की कोड की साइज़ है 1.5 meter। तो अब देखिए हम ये सभी कोड को, ये जो 4 पार्ट्स है वो 4 पार्ट्स में हम अटैच करेंगे। आप देख सकते हैं हमने ये 4 पार्ट्स जो गेप है वहाँ पर हमको ये कोड को अटैच करते जाना है। तो देखिए हम यहाँ पर एक ही पार्ट में टोटल 12 कोड्स अटैच करेंगे, फिर इसी तरीके से बाकी के जो 3 पार्ट्स रहेंगे उसमें भी हम 12 कोड्स को अटैच करें। तो इस तरीके से 4 पार्ट्स में 12 कोड्स को अटैच कर देने से हमारी टोटल 48 कोड्स हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड यहाँ पर हम 12 वाली कोड को अटैच करेंगे। तो देखिए जो वाइट कलर की कोड्स आप देख रहे हैं वो हमारी ऊपर की जो कोड्स जो हमने नोट्स बनाई थी उसकी ही कोड्स है वो, इसीलिए हम उसे इंक्लूड नहीं करेंगे ये गिनने में। हम एक्स्ट्रा में कोड लेंगे, और यहाँ पर हम ये 2 कोड ले रहे हैं 12th वाली कोड के लिए। तो देखिए ये 12th वाली कोड के लिए हम 2 कोड इसलिए ले रहे हैं क्योंकि नोट्स के अंदर से हमको कोड को निकालना पड़ेगा, इसीलिए हमने इसी तरीके से बस 1 टाइम ही एक कोड को निकाला है, और फिर से ऐसे ही करके हमने दूसरी कोड को भी निकाल लिया है। तो इससे हमारी 12th वाली कोड हो जाएंगी, और इससे ये जो हमने 2 कोड अटैच करी है उसे हम अलग अलग नहीं गिनेंगे, इससे एक ही गिनेंगे। इट मीन्स ये सिर्फ और सिर्फ 12th वाली कोड है, क्योंकि ये जो हमने इसीलिए अटैच किया ताकि ये नोट्स बन पाए, और ये कन्वर्ट करने के लिए कि नीचे ये 4 कोड बन पाए, इसीलिए हमने ये एक एक कोड को यूज़ करा है। इसे आप अलग अलग ना गिने कि ये 12th और 13th वाली कोड है, ऐसा नहीं है, सिर्फ उसे हम इसे 12th वाली कोड ही गिनेंगे, और ऐसा हम हर एक साइड में करेंगे। जैसे हमने अभी करा है वैसे हम तीनों ही साइड में करेंगे।
और देखिए फ्रेंड्स, सभी साइड में कोड्स को अटैच कर देने के बाद हम यहाँ पर सिंपल बिस्क नोट को लाइन बाय लाइन करके बनाते जाएंगे। और इस सिंपल बिस्क नोट को बनाने के लिए हमको फोर कोड यूज़ करना पड़ता है, इसीलिए यहाँ पर हम सबसे पहले फोर कोड लेंगे। फोर कोड की हेल्प से सेंटर में दो कोड को एज इट इज़ रखेंगे, फिर जिस साइड वाली एक एक लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की कोड है उसे ही हम घुमाएंगे। जो लेफ्ट हैंड साइड वाली रहेंगी उसे राइट हैंड साइड की ओर से निकालेंगे और राइट हैंड साइड वाली कोड को लेफ्ट हैंड साइड की ओर से निकालेंगे। तो ऐसा हमको सिर्फ और सिर्फ टू टाइम ही करना है और तब जाकर ये एक नोट बन पाएंगे। और अब हम यही नोट को पूरे ही राउंड में बनाते जाएंगे। देखिए, जो हमने रेड कलर की कोड में नोट्स बनाए हैं उसके फोर कोड को हमको कंटिन्यू ऐसे ही नोट्स बनाना है और नीचे वाली बास्केट तक हम इसी तरीके से ये फोर पार्ट्स में हम ये नोट्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये स्पाइरल शेप वाली नोट्स हम कंटिन्यूस बनाते जाएंगे सेकंड वाली। देखिए, हमने पूरे ही राउंड में ये वन लाइन नोट्स की बनाई है। अब हम सेकंड लाइन नोट्स के बनाने के लिए सबसे पहले सेकंड लाइन में काटा बीट्स को अटैच करेंगे। तो देखिए, जो दो ऊपर की सिंपल बेस्क नोट है उसकी हम एक एक कोड लेंगे और एक एक कोड लेकर इस तरीके से दो कोड हो जाएंगी। वो दो कोड में एक काटा बीट्स को अटैच करेंगे। फिर ये काटा बीट्स को अटैच कर देने के बाद साइड की एक एक कोड लेंगे और फिर हम वो एक एक कोड की हेल्प से टू टाइम्स से सिंपल बिस्क नोट को बनाएंगे। तो इस तरीके से हमको ये काटा बीट्स को अटैच करना है और फिर उसके नीचे सिंपल बिस्क नोट को बनाना है। तो देखिए, यहाँ पर जो हम ये बीट्स को अटैच कर रहे हैं वो हम ठीक ऊपर के जो दो नोट्स है उसके ठीक नीचे सेंटर की ओर हम ये बीट्स को अटैच कर रहे हैं। और मैंने आपको जिस तरीके से तरीका बताया है बीट्स को अटैच करने का और नोट्स को बनाने का, बस वही तरीका यूज़ किया है हमने इसे बनाने के लिए। अब हम बीट्स को अटैच कर देंगे पूरे ही राउंड में। और देखिए, आप देख सकते हैं हमने पूरे ही राउंड में कर दिया है इसे अटैच और नोट्स भी बना लिया है। अब हम फिर से थर्ड और फोर्थ लाइन ये नोट्स की बनाएंगे। और थर्ड और फोर्थ लाइन ये नोट्स की बनाने के लिए भी हम सेम वही तरीका यूज़ करेंगे जैसा मैंने आपको पहले बताया है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने जो ये फोर पार्ट्स बनाए थे जहाँ पर हमने रेड कलर की कोड्स में नोट्स को बनाया था स्पायरल शेप में, उसकी फोर कोड्स को हमने ये नोट्स बनाने में इंक्लूड नहीं करा है। ये जो बास्केट हम बना रहे हैं उसमें ये फोर कोड्स को हमने इंक्लूड नहीं करा है। अब देखिए, हाँ भले हमने इसे अटैच जरूर किया है लेकिन हमने ये बास्केट बनाने में इसकी कोड को यूज़ नहीं करा है और हमने इस तरीके से इसे ऊपर कर दिया है। और जो ये हमने ऊपर ये जो कोड को कर दिया है उसको ही आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ऐसे स्पायरल शेप में नोट्स को बनाते जाएंगे और फिर सेकेंड वाली जो बास्केट रहेंगी उसमें हम इसे अटैच करेंगे। तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि ये जो हम फोर कोड्स जो हमने छोड़ी है फोर पार्ट्स की, उसे हमने बास्केट बनाने में यूज़ नहीं करना है, उसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे और सेकेंड वाली बास्केट में अटैच कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने टोटल सिक्स लाइन ये सिंपल बिस्क नोट की बना ली है। अब ये टोटल सिक्स लाइन सिंपल बिस्क नोट के बन जाने के बाद हम 5 इंच की राउंड शेप के रिंग लेंगे और अब हम ये 5 इंच की राउंड शेप के रिंग को इन सभी कोड में अटैच कर दें। और इसे अटैच करने का तरीका इस तरीके से है कि देखिए, हम सभी कोड को नीचे रखेंगे और रिंग को ऊपर रखेंगे, फिर उसके बाद जो नीचे वाली कोड है उसे रिंग के ऊपर से सिर्फ और सिर्फ वन टाइम ही निकालेंगे। तो आपको इस बात का क्लियरली ध्यान देना है कि हमको इसे टू टाइम्स नहीं निकालना है, सिर्फ और सिर्फ वन टाइम ही कोड को इस रिंग में से निकालना है, क्योंकि यहाँ पर जो है कोड्स ज़्यादा हो चुकी है और सभी कोड इस पर टू टाइम्स नहीं आ सकती है क्योंकि हमने रिंग छोटी ली है और जो ऊपर वाली रिंग थी उसकी साइज़ बड़ी थी और अभी हमने जो नीचे वाली रिंग ली है उसकी साइज़ छोटी है। तो सभी कोड को एडजस्ट करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ एक ही कोड को
लेंगे और वन वन टाइम ही सभी कोड को निकालेंगे ताकि अच्छे तरीके से इयररिंग में फिट भी हो जाए और सभी कोड इयररिंग में आ भी पाए। देखिए फ्रेंड्स, सभी कोड को इस रिंग में अटैच कर देने के बाद अब हम यहाँ पर एक कोड को लेंगे और एक कोड को छोड़ देंगे। फिर ऐसे ही हमको पूरे ही राउंड में करना है। और देखिए यहाँ पर हमने हाथ में जितने भी कोड को लिया है उसे हम इसे पूरा कवर कर देंगे। इट मीन्स हम इन सभी कोड को ज्वाइन कर देंगे और जो एक एक कोड हमने छोड़ी है उसे हम बाद में झूमर बनाने में यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने बास्केट विद झूमर के डिज़ाइन इसमें बनाई है। अब देखिए जो हमने सभी कोड हाथ में लिए है उन सभी कोड को ज्वाइन करने के लिए सबसे बड़ी वाली कोड लेंगे और उसे हम राउंड बाय राउंड करके घुमाते जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम 4 to 5 times इसी तरीके से इसे राउंड बाय राउंड करके घुमाते जाएंगे और जो कोड बच जाएंगे उसे हम कट करके लाइटर की हेल्प से इसे स्टिक कर देंगे। ऐसे स्टिक कर देने के बाद अब हम ये जो हमारे जितने भी कोड्स बच चुकी हैं उसे हम अच्छे तरीके से टाइटली एक बार खींच लेंगे, क्योंकि जो हमको ये बास्केट बनाना है वो टाइटली बनाना है और एक परफेक्ट शेप में बनाना है। तो इस बात का आप ध्यान दीजिए कि जब हम लाइटर की हेल्प से ये कोड को स्टिक कर देंगे उसके बाद सभी कोड को इस तरीके से खींच लीजिए ताकि ये टाइटली इसमें अटैच हो जाए और टाइटली इसमें जॉइन हो जाए। तो हमने टाइटली इसे खींच देने के बाद अब हम इनमें बेल्ट्स को अटैच करेंगे। तो एक कोड में एक बेल्ट्स को लेंगे और साइड वाली कोड लेकर लाइटर की हेल्प से दोनों ही कोड को स्टिक कर देंगे। इससे हमारा बेल्ट्स इसमें अच्छे तरीके से अटैच हो जाएगा। तो देखिए अब हमको इसी तरीके से सभी कोड में अटैच करना है बेल्ट्स को। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमने कोड छोड़ दी थी उसमें अब हम बेल्ट्स को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही इसे कट करना है और इसे कट करके इनमें बेल्ट्स को अटैच करना है। देखिए यहाँ पर हम ये दो मटका बीड्स इसमें अटैच कर रहे हैं। आप चाहे तो इसके जगह एक मटका बीड्स भी इसमें अटैच करके बेल्ट्स को अटैच कर सकते हैं।
देखिए यहाँ पर हमने ऊपर वाली बास्केट में इस तरीके से बेल स्कर्ट स्टिच करा है और सेम यही तरीके से हम नीचे भी बास्केट को बना लेंगे। और इसमें हम देखिए जब हम बेल स्कर्ट स्टिच करेंगे तो उसकी जो साइड की दो कोट रहेंगे उसे हम कट करके लाइटर के हेल्प से स्टिक कर देंगे। तो ऐसा हमको पूरे ही राउंड में करना है और ये हम नीचे वाली बास्केट में ही ये तरीका यूज़ करें जिसमें हम एक साइड में बेल स्कर्ट स्टिच करेंगे फिर जो उसकी साइड की दो कोट रहेंगे सेम कट करके स्टिक कर देंगे। और आप चाहे तो ऐसा ऊपर वाली बास्केट में भी कर सकते हैं या फिर दो कोट की जगह एक कोट को भी कट करके स्टिक करके फिर बेल्स को भी आप इसमें ऊपर वाली बास्केट में अटैच कर सकते हैं। लेकिन हमने ऊपर वाली बास्केट में कोई भी कोट को कट करके स्टिक नहीं करा है, सिर्फ उसे हम नीचे वाली बास्केट में ही ये तरीका यूज़ कर रहे हैं। यदि आप चाहे तो ऊपर वाली बास्केट में भी ये तरीके को यूज़ कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको किस तरीके से बेल्स को अटैच करना है। और देखिए फ्रेंड्स साथ में जो हम ये ऊपर वाली नोट्स की जो डिज़ाइन बना रहे थे उसको हमने आगे कंटिन्यू करा है और इसे नीचे की ओर हम इस तरीके से ले गए हैं और फिर सेकेंड वाली बास्केट को हमने बनाया है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी मैक्रम के डबल फ्रूट बास्केट विद झूमर बनकर तैयार हो चुका है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, एक यूनिक डिज़ाइन है और सिंपल है जिसे आप इजीली से घर पर बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमने डबल बास्केट बनाई है इसे आप टेडी बियर रखने में भी यूज़ कर सकते हैं, फ्रूट रखने में भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इसके जगह आप इसमें फ्लावर भी रख सकते हैं। और इसमें चाहे तो आप इसे गमले में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके जो ये दो पार्ट्स हमने जो बनाए हैं बास्केट के उसमें आप गमले रख सकते हैं मनी प्लांट के या फिर कोई भी फ्लावर के और अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं इस डबल बास्केट विथ झूमर से। तो फ्रेंड्स आप अपने घर पे इसे जरूर बनाइए, इसे जरूर ट्राई करिए और साथ में यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ हमारे इस वीडियो को जरूर शेयर करिए और साथ में हमारा चैनल मैक्रम आर्ट क्रिएशन क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।